नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं अमर उजाला .com। मैं अभी लोकभवन में मौजूद हूं और यहां पर सीएम योगी ने यूपी के मेधावी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के छात्रों को सम्मानित किया है। तो हमारे साथ अभी कुछ अभिभावक हैं जिनके बच्चों को सम्मानित किया गया है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मेहनत रही है, इनकी क्या प्रेरणा रही है बच्चों की सफलता में। जयप्रकाश तिवारी, कहाँ से आए? जौनपुर से आया हूँ। बच्चे का क्या नाम है? प्रिंसी। किस बोर्ड से? संस्कृत बोर्ड से। कितना परसेंट आया है? 78.97। संस्कृत बोर्ड से जी। क्या आपका कितना योगदान रहा है उसकी सफलता? एक्चुअली बच्चों के विकास में माता पिता का योगदान तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशाला ही परिवार होता है और उनको जो है उनकी शिक्षा की शुरुआत भी वहीं से होती है। तो हर बच्चे के विकास में तो परिवार और माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण है। और हम हमारे लिए आवश्यक यह भी है कि हम बच्चों के ऊपर जो है अपनी जिज्ञासा या अपनी सोच को ना थोपें, उसकी रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट की चुनने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम करते क्या हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा हो के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उस चक्कर में हम ये नहीं देखते हैं उस बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। हो सकता है उस बच्चे की रुचि संगीत में हो सकती है, खेल में हो सकती है, और हम उसको इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि वो बच्चा किस दिशा में आगे जाना चाहता है और हमें उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये एक गार्जियन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। वो बेचारा कह तो नहीं पाता, बच्चे छोटे होते हैं और उनको लगता है कि अगर हम अपनी बातें रखेंगे तो लोगों के ऊपर गलत इम्प्रेशन जाएगा, लोग समझेंगे कि बच्चा करने से बच रहा है या वो करना नहीं चाहता है या वो कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी चाहिए कि वो भी बताएँ, गार्जियन को खुल के बताएँ कि इस सब्जेक्ट में या इस दिशा में उनकी रुचि नहीं है, वो किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं। और आज की व्यवस्था में ऐसा हुआ भी है कि एक जो संवाद होता है ना, जैसे आपने अभी पूछा कि स्ट्रिक्ट, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे नज़रें चुराना शुरू कर दे। माता पिता को एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए बच्चों का, जिससे कि बच्चे बिना कुछ सोच विचार के अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर सकें। आप पेशे से क्या है? मैं प्रिंसिपल हूँ। एक्चुअली वो लड़की भी मेरे ही विद्यालय से टॉप करी है। मैं उसी विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। क्या नाम है? मैम शीतल वर्मा। शीतल, शीतल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। क्या करेंगे इन बच्चों का? मैम इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है अभी। नहीं सोचा है? ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा होने वाला है? यस मैम, थोड़ा बहुत आइडिया था। आइडिया था। कितना परसेंट है? मैम 97.40। किस कॉलेज से है? मैम सीता इंटर कॉलेज। सीता इंटर कॉलेज से, सीतापुर से। यस मैम। कितना परसेंट है? 97.40। नाम क्या है? शीतल वर्मा। शीतल वर्मा। पापा भी हैं आपके साथ में? जी हाँ। कितने कितने बच्चे हैं सर आपके? दो बच्चे हैं सर। दो बच्चे हैं। एक बेटी है? एक बेटा है। एक बेटा है जी। बेटा किस क्लास में? कक्षा 6 में। कक्षा 6 में जी। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस, बहुत ही खुशी हो रही है। सोचा था कभी ऐसा? सर हाई स्कूल में भी रैंक आई थी, हाई स्कूल में 6th रैंक थी, इस बार 3rd। हाई स्कूल में 6th रैंक थी। हाँ। और इस बार कक्षा 12 में 3rd रैंक। 3rd रैंक आई जी। जी क्या चाहते हैं बेटी? बेटी क्या बने बड़ी हो? डॉक्टर बने। डॉक्टर बने जी। क्या नाम है आपका? शिवानी पाल। शिवानी कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से हैं। किस बोर्ड से हैं? कितना परसेंट आपका आया है? हमारा पार्सल है 85.5%। संस्कृत बोर्ड से? यस मैम। कैसे आपने जो है सफलता अर्जित की है, कुछ कहानी अपनी बताइए। अपने आदरणीय दादाजी की वजह से। दादाजी भी आपके साथ में? जी। क्या कहते थे, सुबह जल्दी उठो? यस मैम। है ना? यस मैम। तो वहाँ पे चलेंगे, आईजीपी चलेंगे। हाँ आप बताइए, आपकी सफलता में दादाजी का कितना या पेरेंट्स का, अभिभावकों का कितना योगदान रहा है? बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। आज जो भी हूँ बस इनकी वजह से हूँ। इनकी वजह से।
अभी कुछ देर पहले आपको भी वो धनराशि मिली है? यस। कितनी धनराशि है? 1,00,000। 1,00,000 रुपए मिले? कभी कभी सोचा था ऐसे कि 1,00,000 रुपए मिलेगी? नो मैम, नहीं सोचा था। क्या करेंगी इस पैसे का? क्या करेंगी मैम? पढ़ाई करेंगे। इससे पढ़ाई करनी है? यस मैम। सर दादाजी से बात कर, दादाजी बिटिया टॉप किए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको खुशी हो रही है मैडम जी? बहुत खुशी हो, बहुत खुशी हो रही है बिटिया के लिए जो 1,00,000 रुपया मिला है। इसके लिए उसकी गाड़ी ले गए, पैर से दिव्यांग है, चल नहीं पा रही है। हाँ। तो सोचे पढ़ाई लिखाई का खर्चा इसका जो है जो हम वहन करेंगे, और जो पैसा मिला गवर्नमेंट साइड से इसके लिए मान लीजिए आने जाने की व्यवस्था करेंगे। क्या इन पैसों से आने जाने की व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था मतलब ऐसा है जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल से भिजवाते हैं कॉलेज। हाँ। एक आदमी अब इसको जो है छोटी सी गाड़ी स्कूटी क्या कहते हैं 3 पहिए की, अगर ले लेंगे तो सिखा देंगे तो हो सकता है अपने आप जो चले जाओ करें, यही मकसद है। इनसे उम्मीद कुछ ऐसी थी? उम्मीद तो हमेशा थी, और रह गई बात की अब इसकी दिव्यांगता और हर चीज़ दे करके इसका परिश्रम जो है तो सफल किया। ऐसे पहले से लगता था कि ये कुछ कर दिखाएगी। अभी आप लखपति हुई हो अभी कुछ मिनटों पहले। हाँ जी। कैसा महसूस कर रही है? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे जितनी मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। क्या उम्मीद आपको पहले से ऐसे लगती थी कि नहीं मेरे को तो करना है? हाँ मतलब था कि कुछ करना है, मतलब बोर्ड है बड़े, अब बड़ा टाइम है, सब कहते हैं 10वीं के 12वीं के बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो था। क्या पहले से आपका पूरा? मनस्वी धामा। किस कॉलेज से हैं, किस स्थान से हैं? जी मैं मेरठ से हूँ, मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल शास्त्री नगर से। कितना परसेंट है आपका? 99.2%। मम्मी भी आपके, मम्मी को बुलाइए। हाँ जी। माता जी कैसा लग रहा है बिटिया अभी कुछ मिनटों पहले लखपति बनी है? आई एम सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एंड इवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन हु पार्टिसिपेट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप बिटिया की सफलता में आपका क्या योगदान? बिटिया की सफलता में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं फॉर द सक्सेस आई हैव 3P, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पैशन, एंड आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर, नॉट ओनली डॉक्टर आई एम ऑल्सो ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर इन लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। हाँ, आई एनकरेजेस माई स्टूडेंट्स एज वेल एज माई डॉटर्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ती है मैडम? यस, क्योंकि ये कथन डॉक्टर अब्दुल कलाम का ही है कि हमें सोते हुए सपने नहीं देखने चाहिए, जब हम सपने देखें तो हमारी आँख खुली होनी चाहिए ताकि हम खुली आँखों से सपने देखें। और ये मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि मैं ये भारतवर्ष की हर एक बेटी के लिए कहना चाहती हूँ कि खूब मेहनत करो, क्योंकि जैसे हमारे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और यही मेरी जो है पूरी जर्नी का जो है राज है, मेरी सफलता का भी ये राज है आज जिस पद पे मैं काम करती हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। क्या चाहती हैं बड़ी होकर क्या बनेगी? मेरी मैंने कभी अपनी बेटी पे अपनी कोई भी इच्छा नहीं लादी है, और मेरी बेटी एक बहुत ही सफल उद्यमी बनना चाहती है, तो मैं बस अपनी बेटी को सपोर्ट करूँगी चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। चलिए बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम कृष्णा है। कहाँ से मैम आई हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आई हैं। बताइए मैम आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम सिद्धिमा है, जो सेठ जोसेफ स्कूल खोराबाड़ से इंटर की परीक्षा पास की 99%। जी। कैसा आपको लगा था जब सुना आपने कि बिटिया ने 99% मार्क्स हासिल? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। आपका क्या योगदान रहा, कैसे आपने उसकी सफलता में योगदान दिया? जी दिन रात उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ, बस यही बस मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ती रहे। कैसे रूटीन क्या था, सुबह आप जल्दी उठाती थी उसको? जी जी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ खुद भी, और मैं भी उठा देती हूँ उसको। अच्छा जी। उम्मीद थी उससे कि ऐसा कर सकेंगे या? जी उम्मीद थी, पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। आगे क्या चाहती, क्या बने वो? आगे वो जो भी चाहती है उसे भगवान दे, बस यही।
इच्छा है। क्या नाम है मैम आपका? सोनमति। सोनमति जी कहाँ से आई हैं? अम्बेडकर नगर से। बच्चा टॉप किया है आपका? हाँ। अच्छा, कितना परसेंट आया है? ध्यान नहीं है। 670। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। कहती थी आपकी मन लगा के पढ़ो तब पढ़ता था कि अपने मन से पढ़ो? नहीं, मैं बोलती थी तभी भी पढ़ती, वैसे भी पढ़ती। वैसे भी पढ़ता? अपनी मर्जी से भी पढ़ती। क्या मन में, दिल में क्या है कि मेरा बच्चा ये बने बड़ा होकर? मेरा बच्चा जैसे मन की भावना की इंजीनियर बने। इंजीनियर बने चाहती? इंजीनियर बने। इकलौता है क्या? नहीं, लड़की है मेरी। लड़की है? अच्छा। लड़कियाँ तीन हैं। तीन ये छोटी, ये सबसे छोटी है? ये छोटी, इससे छोटा लड़का है। अच्छा, और पति क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर? गैस टैंक। टैंकर? गैस टैंक। गैस टैंकर। तो तब टॉप किया है तो और भी बड़ी बात हो जाए। और वो भी कहते हैं पढ़ाने को, मतलब मैं पढ़ाऊंगा, ये आगे बढ़ेगी तो पढ़ाऊंगा, उनको भी अच्छा लगा। और भी कोई बच्चे टॉप किया है? अभी नहीं, यही नहीं। एक बीएड कर रही है, एक बीएससी कर रही है, छोटा लड़का जो चौथी क्लास में। क्या मैम नाम है आपका? कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता जी, क्या बच्चे का क्या नाम है? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा गुप्ता किस बोर्ड से है? वो ICSE बोर्ड से, क्लास 10th सिटी टॉपर है। सिटी टॉपर जी। ओके, तो कितने परसेंट आए हैं? 99.4। 99.4 जी। वो धनराशि मिली होगी? जी जी। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बता नहीं सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा है, मतलब अचीवमेंट उनका रहा, उसकी वजह से हम लोगों को भी सम्मान मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। पहले जैसे उम्मीद थी कुछ? नहीं नहीं, मेहनत जिस हिसाब से कर रहा था उस हिसाब से तो था, कुछ अच्छा आएगा। और जब सिटी टॉपर में नाम आया तो फिर कहने की क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सच में। कैसे रूटीन क्या था, कितना पढ़ता था? देखिए टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन वो दिन हो या रात हो, ऐसा नहीं है फिक्स है कि आपको 2 ही घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना है। वो अपने टाइम से जब भी उनको जितना ज़रूरत लगा वो पढ़ता ही है, और अभी भी वो कंटिन्यू है क्योंकि फोकस है कि उनको मेडिकल में जाना है। मेडिकल में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह जी, बच्चे का क्या नाम है? श्वेता सिंह। कौन से बोर्ड से? किस? यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड 10th? नहीं, इंटर। इंटरमीडिएट। कितना परसेंट है? 97%। कैसा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत खुशी की बात है, बच्चे अगर आपको भी सम्मानित किया गया, पहली बार ऐसे सम्मानित बच्चे के साथ साथ गार्जियन भी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे क्या उम्मीद है बच्चे से? तो वही पढ़ाई जैसे करती है और नाम भी की और बोलती भी है, सिविल की तैयारी कर रही है, करेगी सिविल की तैयारी। पहले से ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे टॉपर? हाँ, उसकी पढ़ाई देख के ऐसा लगता था क्योंकि पढ़ती थी, उसकी मम्मी भी, हम भी बोलना पड़ता था कि थोड़ा कम पढ़ो, सो लो, आराम कर लो, लेकिन जुनून उसके अंदर था, ये लगता था कि कुछ करेगी, कुछ तो अच्छा करके। आपका क्या योगदान रहा है उसके सपोर्ट में? अब वो जो भी सहयोग हमसे मांगे सब उसका सपोर्ट किए हैं। नहीं, जैसे एक अभिभावक ने बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि अनुशासित माहौल नहीं, हम उसके प्रति स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे। हाँ, वो वाला माहौल नहीं रहा। हाँ, सब कुछ उसी पर छोड़ दिया कि भाई जो तुमको करना है करो अपने मन से। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीतिका लक्चौरा है, मैं ईशान लक्चौरा की मदर हूँ। ओके, तो ये कहाँ पर, कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से आई हूँ, मेरा बेटा फादर एग्नल स्कूल नोएडा में पढ़ता है। किस और बोर्ड उस से? CBSE बोर्ड से है। कितना परसेंट? उसने 99.8 स्कोर किया है। तो धनराशि मिली है? हाँ जी, 1,00,000 रुपये और टैबलेट और प्रमाण पत्र और मेडल मिला हुआ है। अब आपके इलाके में एक सड़क या
सड़क भी बनेगी इसी के लिए। सुना मैंने कुछ ऐसा, पर मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। बनेगी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि उसकी सफलता में आपका योगदान क्या रहा है, उसकी दिनचर्या में आप जैसे नहीं होता कि मम्मी सुबह सुबह लेके वो एक जो चला रहा है, नहीं उठना है सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है, वो वाला सीन था कि अपने मन से? वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि है, पर फिर भी हमने जो इन्वायरमेंट हम उसे दे सकते थे अपनी तरफ से वो हमने एज अ पेरेंट्स दिया, बाकी उसकी मेहनत है, मन लगा करके। हाँ। अच्छी उम्मीद उससे आपको पहले? हमें अच्छी उम्मीद थी उससे, ऐसा हमने कुछ नहीं, उसका भी नहीं था कि मैं टॉप करूँगा, बस मैं अपना 100% दूंगा, अपना हार्डवर्क करूँगा, और हम भी यही चाहते थे कि वो अपना हार्डवर्क करे, बाकी जो भी रिजल्ट आता है। सबसे अच्छा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही विषयों में ठीक है वो। पसंदीदा? अगर पसंदीदा, हाँ, उसका रुझान विज्ञान की तरफ ज़्यादा है, तो साइंस स्ट्रीम ही उसने ली भी है। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं अभी तो कहीं ज्वाइन करने की सोच रही हूँ एज अ टीचर, हाउसवाइफ। हाँ। क्या चाहती है आगे आपका बच्चा क्या बने बड़ा? मैं तो पहले तो एक अच्छा इंसान बने, फिर वो जो भी अपना करना चाहता है, वैसे उसका मैंने जैसे आपको बताया कि वो विज्ञान की तरफ है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर मेहनत करता है और वो बन जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अनुभव शुक्ला। किस स्कूल कॉलेज से हैं आप? सीता इंटर कॉलेज। सीता, सीतापुर से ही? जी हाँ, सीतापुर से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना परसेंट बताया? 97%। 97%। पापा भी हैं आपके साथ में? सर बताइए, बेटे ने आपका नाम रोशन किया है, पहले से उम्मीद ऐसी थी आपको? नहीं, प्रयास कर रहे हैं और विद्यालय का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और सेल्फ स्टडी का फायदा मिला है ज़्यादा ज़्यादा। और हाई स्कूल से कंटिन्यू बराबर मेहनत कर रहा है बच्चा और लगभग लगभग ठीक है। आगे क्या चाहते हैं, क्या बड़ा होकर बने बेटा? हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। आगे ईश्वर इच्छा है, इच्छा तो यही है कि डॉक्टर बनकर के समाज सेवा कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने अभिभावकों से बातचीत पर खबर रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि कैसे बच्चों की सफलता देखकर पेरेंट्स की आंखें नम हो जाती हैं, कैसे वो इमोशनल हो जाते हैं बातों बातों में। तो अभी हमारे साथ में बच्चे मौजूद हैं, मेधावी बच्चे, जिनको हाल ही में अभी कुछ ही मिनटों पहले धनराशि मिली है, तो जानते इनकी खुशी क्या है? वही, आप लोग तो मालामाल है। कैसा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था और फिर इतना सब मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम निष्टी शर्मा है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। अच्छा, निष्टी कितना परसेंट है, किस बोर्ड से है और किस कॉलेज से है? मैं CBSE बोर्ड से हूँ, सन वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी हूँ, ये वैशाली में है गाजियाबाद में, और मेरी परसेंटेज 99.6 है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। क्या बनना है आगे? मुझे अभी, मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ, PCM लिया है मैंने, और मुझे IIT करनी है, उसके बाद मैं IAS की तैयारी भी करना चाहती हूँ। अच्छा, सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब एक के बाद एक वही है। IIT करो, IAS भी कर लो। देखो, ये दर्शकों को मैं दिखा दूँ, लिखा हुआ है निष्ठी शर्मा ये यहाँ पर, और निष्ठी ने पकड़ भी रखा है, काफी खुश है, उनकी मम्मी साथ में है। तो ये देखिए, आप बताइए कि आपकी सफलता में मम्मी का क्या रोल रहा है, मम्मी को क्या तुमसे उम्मीद थी ऐसी कुछ? मम्मी को तो थी, मतलब मुझे ही उम्मीद थी, मम्मी ने मतलब उम्मीद थी, पर ऐसा भी नहीं करा कि अगर उम्मीदों पे मैं खरी ना उतरूं तो कुछ हो जाएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रही है। मैं अगर नहीं ला रही नंबर तो भी कोई बात नहीं, ला रही हूँ तो फिर तो जो इतनी खुशी हो रही है वही होती है, तो मतलब कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, पापा ने भी, मम्मी ने भी, और मेरे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स नाना जी, वो भी बहुत मोटिवेट करते थे, मतलब अभी उन्होंने देखा TV पे तो वो रोने लग गए थे, उन्होंने वीडियो भेजी थी, तो मतलब लोग इतना प्राउड फील करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा? मम्मी से पूछूं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तो बोल ही नहीं सकती मुझे। ओह माय गॉड। देखिए, यहाँ पर ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, और भी हमारे साथ में बच्चे हैं।
दर्शकों हमारे साथ में कुछ और भी लखपति हैं। क्या नाम है आपका? मैम पलक मौर्य। पूरा नाम बताइए। पलक मौर्य। पलक मौर्य। पलक मौर्य कहाँ से हैं आप? मैम सीतापुर जनपद। सीतापुर से हैं। कितना परसेंट है आपका? 97। किस कॉलेज से हैं? सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सीता बाल आपके ही कॉलेज से एक है जिन्होंने यूपी टॉप किया है। यस मैम। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जब 1,00,000 रुपए मिले, अच्छा क्या करेंगे इन रुपयों का बताइए? मैम मतलब अब मुझे पापा तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं पैसों को क्या करूंगी, पापा को जो करना है। कुछ तो जरूर मन में हलचल होगी इन रुपयों को लेके, सच बताना। मैम मेरा एडमिशन हो गया, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी, तो मैं वो कर रही हूँ, पापा करवा रहे हैं उसमें भी। मतलब ट्यूशन फीस तो होती है तो पापा वो पे ही कर रहे हैं, तो मुझे अब ऐसी कोई वो नहीं है कि इन पैसों को अब जो पापा को जो काम हो इन पैसों को गुल्लक में तुमने जमा कर दिए, राइट? अच्छा ये बताओ कि मम्मी पापा का कितना योगदान रहा तुम्हारी सफलता में? बहुत रहा, मतलब मुझे ऐसा घर पे कोई प्रेशर नहीं रहता था, जैसे मतलब इच्छा है वैसे पढ़ना होता था, तो मम्मी भी ऐसा कोई घर का काम वाम भी नहीं करवाती थी, पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए। अब आगे बड़ा होकर क्या बनना? डॉक्टर बनना है। सर बेटी ने आपकी टॉप किया है जी, कैसा महसूस? बहुत बहुत खुशी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सीएम से पहली बार मिले कि जी? नहीं, सीएम से पहली बार मिले, इसके तो पहले बिटिया ने मिलवा दिया, और इसके पहले हाई स्कूल में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी उनसे सम्मानित हुई थी जब भी मैं गया था, और वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम हुआ था। बिटिया पे गर्व है? जी बहुत गर्व है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटियाँ हैं। दो बेटियाँ हैं, एक लड़का है। एक लड़का है, तो कभी बेटा बेटी ऐसा वाला सीन रहा है? बेटा बड़ा है और पढ़ने में बहुत प्रयास कराया गया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। बेटियां दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, दोनों बहुत ठीक। एक बीएससी कर रही बायोस इंग्लिश से, तो दूसरे ईयर की छात्रा, और ये इंटर परफॉर्मेंस टॉप रहा। चलिए थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।